आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। एक जीवित नवजात शिशु मिलने से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी अनुसार राजपुर थाना क्षेत्र के चिंदी घाटी में वन विभाग के चौकीदार को घाटी के निकट नाले में शिशु के रोने की आवाज आई, जिसके बाद उसे लेकर वो स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर लेकर पहुंचा, जहां पर उसकी जांच कर राजपुर पुलिस विभाग को सूचना दी। पुलिस थाना प्रभारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए जीवित नवजात को जिला अस्पताल भेजा। वहीं अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया, दावत नर्सरी के आसपास से नवजात शिशु मिला। वहीं शिशु की स्थिति देखकर 8 से 10 दिन का होना बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। कहाँ से लाए बच्चे? चीने घाटी में। कहाँ की जगह? नीचे नाले में। नाले में थी तो तुमको भी कैसे पता लगा कि आवाज है बच्ची की? बच्ची की आवाज भी आई, बच्चे ने भी बताया हमको, हम चौकीदार सब लोग देखे। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। बच्ची अच्छी है? लड़का है ना। रो रही थी, है ना? हाँ, रो रही थी। और तुम्हारे साथ और लोग भी होंगे, है ना? हाँ, हमारे साथ होंगे सर लोग। तुम कहाँ रहते हो? मैं वन विभाग का चौकीदार हूँ। अच्छा अच्छा, सर नवजात शिशु मिला है? हम लोगों को सूचना मिली थी कि चिंती घाटी के पास जंगल में एक नवजात शिशु जीवित अवस्था में कोई पटक के जला गया है। सूचना पर मैं और मेरी टीम वहाँ पे गई थी, जिसको हमने शिशु को उठाकर अपने सरकारी अस्पताल राजपुर में भर्ती करा दिया गया था, जहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद बड़वानी रेफर कर दिया गया है। उसमें हमने अज्ञात अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और सूचना भी ले लिया गया है। सर ये बच्चा जो आज लाया लावारिस, कहाँ कहाँ है सर? आज दिन में 3 बजे के करीब दानोद नर्सरी के चौकीदार और एसआई पंडित थाना राजपुर एक लावारिस बच्चे आए थे, दानोद नर्सरी के आसपास से कहीं मिला था। सर ये कितने दिन का नवजात लगता है? अंदाजन 8 से 15 दिन के बीच का हो सकता है। जी सर, और अब किसी कंडीशन सर? उसको प्राथमिक उपचार करके उसकी कंडीशन तो अच्छी है, जहाँ जहाँ थोड़े बहुत छोटे छोटे रगड़ के निशान थे, वहाँ कुछ कीड़े हो गए तो उनको साफ करके प्राथमिक उपचार देके उसको HNCU जिला अस्पताल बड़वानी भेज दिया, आगे इलाज के लिए और सेवा के लिए भेज दिया।